Good evening, Dr. Madhav. Good evening, everybody. I am confident, sir, कि आज का सवाल भी ऑडियंस को काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है. सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, वॉट इज ईगो? आम जिंदगी में सर, हमने अक्सर सुना है, कभी किसी के कॉन्फिडेंस को हम ईगो कहते हैं, कभी किसी के जवाब को हम ईगो कहते हैं, और सर कभी किसी के साइलेंस को, चुप्पी को हम ईगो कहते हैं. तो डॉक्टर माधव, आप हमें बताएं ये ईगो क्या है. डॉक्टर माधव. ओके अंकुर जी, दैट इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आई बिलीव. ये वैसे जाए देखा जाए तो ईगो बहुत ही कॉमन वर्ड है ना. करेक्ट. मतलब पढ़े लिखे या खेड़े के या शहरी लोग, सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं कि क्यों ईगो दिखा रहा है, या ये आदमी बहुत इगोइस्टिक है. और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनको ईगो शब्द का मतलब ठीक से मालूम है, लेकिन शायद कुछ सोच विचार रखने वाले लोगों को ऐसा लग सकता है कि ईगो का शब्द का मतलब थोड़ा ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है. लेकिन स्पेशलिस्ट से इसका मतलब एक बार जान लेना ठीक रहेगा. शायद इसी विचार से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है और मुझको पूछा है. यस, बिल्कुल सही कहा सर आपने. अब हालांकि ईगो ये साइको एनालिसिस का शब्द है, अभी कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों को ऐसी मिलेगी जो शायद अगर आप साइकोलॉजी को बिलोंग नहीं करते हो तो शायद आपको पहले बार सुनने को मिलेगी, तो प्लीज बियर विद मी. साइको एनालिसिस की शुरुआत की थी सिगमंड फ्राइड ने, डॉक्टर सिगमंड फ्राइड. ये वियना के थे और वैसे देखा जाए तो मॉडर्न साइकेट्री या मॉडर्न साइको एनालिसिस का फाउंडर फादर किसको कहा जाता है, तो वो सिगमंड फ्राइड को कहा जाता है. सिगमंड फ्राइड को आप लोग इसलिए भी जानते हो क्योंकि उन्होंने मन के तीन विभाग किए, और आप में से बहुत लोगों को ये मालूम है आज के तारीख में कि हमारा सेमी कॉन्शियस मन रहता है, कॉन्शियस मन रहता है और अनकॉन्शियस मन रहता है. तो ये जो तीन पार्ट बताए गए, वो बताने वाला व्यक्ति अगर कोई है तो वो है सिगमंड फ्राइड. मुझको बचपन से ही पता है सिगमंड फ्राइड को, मैं सुन चुका हूँ उनके बारे में, थोड़ा मालूम मैंने जानकारी रखी थी बचपन से. बहुत लोगों को मालूम होगा ऐसा मैं समझता हूँ. माइंड के जो तीन पार्ट है ये तो सबको मालूम ही है आजकल, और वो देन है सिगमंड फ्राइड की, ये मालूम रखना बहुत जरूरी है. तो ये ईगो शब्द जो है वो भी सिगमंड फ्राइड ने ही क्वाइन किया है. हालांकि उन्होंने ईगो शब्द के साथ में ईड, ईगो और सुपर सुपर ईगो, ऐसे तीन शब्द उन्होंने डिवाइस किए या क्वाइन किए. आज हम ईगो के ऊपर में ही बात करेंगे. मैं ईड और सुपर ईगो के बारे में इसलिए नहीं बात करूंगा क्योंकि वो थोड़ा साइकोलॉजिकल मीनिंग वाला शब्द है, और उसको समझने के लिए भी थोड़ा बेसिक क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है कि जैसे किसी ने साइकोलॉजी किया है या मेडिसिन किया है, उन लोगों के वो काम में आता है. यानी हम ईगो का मतलब आमतौर पर सिगमंड फ्राइड ने ही, उनकी एक किताब उन्होंने छपी, किताब का नाम था द ईगो एंड द ईड, आई डी ईड. ये किताब में उन्होंने ईगो के बारे में लिखा है. वो कहते हैं कि ईगो रिप्रेजेंट्स, मतलब ऐसा कि आप रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं ना, तो ईगो ये बताता है, काहे को बताता है, आपके रीजनिंग को और आपके सैनिटी को. रीजनिंग मतलब आप किस तरह से कोई चीज को एक्सप्लेन करते हो, कोई चीज की कारण मीमांसा करते हो, उसको कहते हैं रीजनिंग. और सैनिटी का मतलब आपका उसको ऐसा कहेंगे कि आपका विजडम, आपको सारासार विवेक बुद्धि, जो विवेक बुद्धि है वो सैनिटी कहलाती है. तो सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि आपका ईगो आपकी विवेक बुद्धि को और आपके रीजनिंग के कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है. ओके, मैं थोड़ा आगे जाकर के इसको जरा और ज्यादा आसान बनाने की कोशिश करूंगा आप सब लोगों के लिए, सुनने वालों के लिए. मैं ये कहता हूं कि ये ईगो आपकी सेल्फ इमेज को भी प्रदर्शित करता है. मतलब अगर आपका ईगो ऑप्टिमम है या आपका ईगो निगेटिव है या आपका ईगो ज्यादा है ना, एक्सेसिव है, तो ये सारी जो ईगो के टाइप्स हो सकते हैं या विभाग हो सकते हैं या भाग हो सकते हैं, ये आपकी सेल्फ इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं, या आपका सेल्फ इमेज इज इक्वल टू ईगो. ओके, अब सेल्फ इमेज का मतलब ये होता है कि आप अपने बारे में क्या व्यक्तिगत खुद की धारणा रखते हो,
उसको कहते हैं सेल्फ इमेज। मैंने मेरे बारे में मेरे मन में क्या इमेज रखी है मेरी, इसको हम कहते हैं सेल्फ इमेज, ठीक है, और इसको ही कहते हैं ईगो। ओके, इसके साथ साथ थोड़ा सा और भी बताना चाहूंगा। देखिएगा, आमतौर पे जो मैनिपुलेशन मैं मानसिक रूप से करता हूं मेरे खुद के साथ, जैसे कि आपने मुझको अगर बताया या किसी ने मुझको अगर बोला कि आपको तो ये पता ही नहीं है, आप बड़े इग्नोरेंट हो, आपको ज्ञान ही नहीं है, अब ऐसा उन्होंने बोला तो मुझको भी लग सकता है कि हाँ सच में मुझको कोई चीज में ज्ञान नहीं, क्योंकि अगर वो मेरे टीचर है या कोई सीनियर है, उन्होंने अगर बोला कि नहीं आपको ये पता ही नहीं है, तो मुझको भी ऐसा लग सकता है। तो उनकी बात मैं मेरे मन में आएगी और फिर मैं मेंटल, मेरे मेंटल स्टेटस के ऊपर में उसका प्रभाव गिरेगा। मैं मन से शायद दुखी हो जाऊंगा या सहम जाऊंगा या सतर्क हो जाऊंगा वगैरह वगैरह। तो ये जो मेरे मन के अंदर होने वाले जो स्थित्यंतर है, जो चेंजेस है, इन चेंजेस को मैनिपुलेट करने के लिए भी मैं ईगो का सहारा लेता हूँ, या मेरा ईगो मेरे मन को मैनिपुलेट करने में मदद करता है, ठीक है ना। ये और एक बात हो गई ईगो के बारे में। अब दूसरी बात ऐसी भी होती है कि जब किसी ने मुझको कहा, जैसे सपोज किसी ने मुझको कहा कि नहीं आप, मैं एग्जाम में बैठ रहा हूँ सपोज, और मेडिकल कॉलेज की एग्जाम है, मैं एग्जाम में बैठ रहा हूँ, और एग्जामिनर ने मुझको बोला कि नहीं आप पास नहीं हो सकते, आप फेल हो गए हो, आपको कुछ नहीं आता। अब ये तो बहुत बड़ा धक्का लगेगा मुझको, मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा या मैं चिढ़ जाऊंगा या मेरी कोई ना कोई रिएक्शन होगी। अब ये जो मुझको इन्फॉर्मेशन मिली कि मुझको पासिंग क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगा या मुझको पास, मैंने पास होने जैसा पढ़ाई नहीं किया, अब इस चीज को मुझको रियलिटी के साथ में टेस्ट करना होगा, ठीक है ना। ये तो टीचर ने बताया, तो मेरा ईगो मुझको ये कहेगा कि ये टीचर का मत है, वास्तविकता में क्या है उसको मैंने क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। तो मेरा ईगो मुझको वास्तविकता से क्रॉस चेक करने की लिए मदद करता है, तो वो मेरा ईगो है। ओके, मेरा मेंटल स्टेटस है जो मुझको, मैंने सुनी हुई, मेरे ऊपर जो टीका टिप्पणी हुई, उस टीका टिप्पणी को मैं वास्तविकता के साथ में उसको घिस के देखता हूँ, वास्तविकता के साथ में उसको चला करके देखता हूँ कि ये सच में सही है कि यह गलत है, ये मुझको लागू पड़ता है कि नहीं पड़ता है। ये जो वास्तविकता के साथ में टेस्टिंग करने वाली कोई अगर अंदर में हमारे मन में है, तो वो हमारा ईगो होता है। और इसीलिए भी ये ईगो जो है, ये कुछ हद तक के बहुत काम की चीज हो सकती है, कुछ हद तक के काम की चीज नहीं हो सकती। अब कब कब इसका फायदा होता है या किसको इसका फायदा होता है और किसको इसका फायदा कौन से सिचुएशन में नहीं होगा, इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे या इसके ऊपर में थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करूं। अब उसके पहले मैं ईगो को थोड़ा और ज्यादा इलाबोरेट एक एग्जांपल देकर के करना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से रियलाइज हो जाए कि मैं ईगो बोले तो मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि अभी तक के तो मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट बताई है ईगो की। तो हो सकता है मुझको डर लगता है कि सुनने वालों में से कोई लोग ऐसे होंगे जिनको मैंने ये एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट जो बताई वो समझ में नहीं आई होगी, तो उनके लिए भी और जिनके समझ में आई होगी उनके लिए भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जिससे आपको एकदम आपकी आंखें खुल जाएगी, आपको इमीडिएट मालूम हो जाएगा, चकाचौंध रोशनी में मालूम हो जाएगा कि ईगो क्या होता है। एग्जांपल बता रहा हूं, देखिएगा, मैं छोटा था, एक उम्र 6 साल का, तो मुझको स्कूल में जाना पड़ता था, तो मैं स्कूल में 7 बजे की मेरी स्कूल होती थी, उसके पहले ही मुझको नहला धोला करके मेरी माँ मुझको रेडी कर देती थी, घंटा भर जाता था माँ को मुझको नहलाने में, मेरा कोम करने में और तेल लगाने में, पाउडर लगाने में, ये सब करते करते। अब ये करते करते माँ मेरे साथ में बात करती थी कि तू मेरा राजा दुलारा है, तू मेरा कितना होनहार बच्चा है, तू राजकुमार है, या वगैरह वगैरह। तो मेरे बारे में मुझको, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए माँ मेरी बहुत हवा भरती थी मेरे अंदर में, ताकि जब तक के मैं तैयार हो जाता था तब तक के मुझको लगता था कि मैं बहुत कोई किस्मार खान हूँ, बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ वगैरह वगैरह। और स्कूल में जाने का डर मुझको, या माँ से दूर जाने का, घर से दूर जाने का, या कुछ घंटे तक के घर से दूर रहने का डर मुझको उस उम्र में 5-6 साल की उम्र में बिल्कुल नहीं लगता था। तो मैं जैसे कि शेर बनकर के स्कूल के अंदर में जाता था या निकल जाता था। उन दिनों में तो मैं पैदल ही जाता था, क्योंकि हमारे गांव में तो कोई रिक्शा नहीं थे और उन दिनों में कोई ऑटो रिक्शा नहीं चलते थे बच्चों को ले जाने वाले, मैं पैदल स्कूल में चला जाता था। और स्कूल में जाने के बाद में जो मेरे अनुभव होते थे, वो अनुभव मेरे दोस्तों से, जो स्कूल के जो मेरे सहाध्यायी है उनसे, जो टीचर है उनके तरफ से, या
कोई एल्डरली लोग जिनके साथ में मेरा ताल्लुक होता था स्कूल के उस ड्यूरेशन में, 4-5 घंटे स्कूल में मैं बिताता था उस समय में, तो ये सारे लोग मेरे ऊपर में कई बार टीका टिप्पणी करते थे, जिसका मतलब मुझको ये समझ में आता था कि मैं इतना राजा बेटा नहीं हूँ, मैं इतना अव्वल व्यक्ति नहीं हूँ, या मुझको माँ बोलती थी वो सारे के सारे गुण, जैसे कि माँ कहती थी ठूस करके मेरे अंदर भरे हैं, तो बाहर जाने के बाद में उन लोगों की जो रिएक्शन आती थी उससे मुझको मालूम पड़ता था कि यार मेरे पास में तो कोई गुण है ही नहीं, शायद दुर्गुण ही मेरे पास बहुत ज्यादा है। तो जब तक मेरा स्कूल खत्म हो जाता था तो मैं वापस आता था चलते हुए घर में, तो चलते हुए जब आता था तो वो 15 मिनट या आधे घंटे के अंदर में मेरे मन में बड़े कंफ्यूजन होते थे। कैसे कंफ्यूजन, माँ कहती थी कि मैं तो बहुत गुणी व्यक्ति हूँ, गुणी लड़का हूँ, मुझ में ये है वो है वगैरह, प्लस पॉइंट्स है मेरे, और जब स्कूल में जब मैंने जो समय बिताया उसमें तो लोग मुझको बताते थे कि मुझ में ये माइनस पॉइंट है, मैं बड़ा अवगुणी हूँ या दुर्गुण है मुझ में इसमें, या वगैरह वगैरह। तो ये कन्फ्यूजन लेकर के मैं घर आता था, माँ के साथ में बात करता था, माँ फिर से उसी प्रकार से मुझको सजाती थी, मुझको मेरा स्वागत करती थी, मेरे से बात करती थी, तो मैं स्कूल में सुने हुए मेरी जो टीका टिप्पणी थी वो भूल जाता था, और फिर से मुझको घर में लगता था कि नहीं मैं तो प्रिंस हूँ, राजकुमार हूँ, माँ के नजरों का, माँ के हाथों से बना हुआ राजकुमार। फिर मैं स्कूल जाता था, स्कूल में फिर से मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता था वो टियर आउट हो जाता था, फट जाता था। ऐसा होते होते कई साल गुजरे। अब ये साल गुजरते समय में मेरा दिमाग धीरे धीरे, मैं उम्र से बड़ा होते गया, बड़ा होते होते मैं इस चीज को वास्तविकता के साथ में छानबीन करने लगा। मां कहती है मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे में ये गुण है, वो गुण है, वो गुण है। दुनिया कहती है कि मेरे में इतने गुण नहीं है, मेरे में तो दुर्गुण भी है। माँ तो कभी नहीं कहती कि मेरे में ये दुर्गुण है, ये माजरा क्या है? तो ये वास्तविकता के साथ में मैं मेरे गुण और दुर्गुण जो मैंने फीडबैक में लिए हैं उनको टेस्ट करके देखता था कि सच में मेरे पास क्या है। ये टेस्टिंग के अंदर में कभी कभार अगर ऐसा होता कि बाहर वाले, घर वाले मतलब माँ पिताजी भाई बहन, बाहर वाले स्कूल वाले, ये मुझको कभी कभी कोई मैंने अच्छी चीज किया इसीलिए मुझको शाबाशी देते थे और मेरी बड़ी प्रशंसा करते थे। ये भी मैं प्रशंसा देखता था, घर में भी बहुत प्रशंसा होती थी कि उन लोगों ने मुझको प्रशंसा किया, घर के भी लोग प्रशंसा करते थे, तो दोनों तरफ से मेरे पास में प्रशंसा आती थी। अब ये भी मैं रियलिटी टेस्टिंग करने लगा। अब ये करते करते बाय द एंड ऑफ दी जब मैं 12-15 साल के ऊपर का हो गया तब तक के मेरे मन में मेरी खुद की एक इमेज तैयार हो गई, और वो इमेज मुझको ये कहती थी, वो इमेज मुझको बताती थी कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं बहुत गुणी व्यक्ति हूँ, या मैं प्रिंस हूँ, नॉट एग्जैक्टली प्रिंस लेकिन प्रिंस जैसा हो, राज दुलारा हो। अब ये सारी बातों को जो मेरे मन में तैयार हुई इसको हम कहते हैं ईगो, ठीक है ना। अब ये जो ईगो हुआ, ये ईगो के कारण बहुत सी बातें मेरे मन में तैयार हो जाएंगी, मतलब इस ईगो के कारण मेरा बिहेवियर बदलेगा, ठीक है ना। इस ईगो के कारण मेरा खुद के बारे में और दुनिया के बारे में सोचना जो है, सोच इंटरप्रिटेशन जो है वो बदलेगी, ठीक है ना। अब समझो अगर मुझको अनुभव बाहर की दुनिया का ज्यादा खराब आता और घर का राज दुलारा बनाने का या बनने का अनुभव कम आता तो मेरी तो सेल्फ इमेज निगेटिव होती, मतलब मैं खुद के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट या बहुत ज्यादा मेरा इन्फ्लेटेड इमेज नहीं रहती, फुली हुई मेरी खुद की प्रतिमा नहीं रहती, मेरे मन की मेरी प्रतिमा धूमिल रहती या मध्यम रहती या कुछ हद तक के कम भी रहती। अगर ऐसा होता तो मेरा बिहेवियर भी वैसा ही होगा, है ना। लेकिन अगर इसके उलट होगा, मतलब मैं अगर खुद को बहुत बड़ा पिसवार खान समझूंगा तो मेरा बिहेवियर भी वैसा ही होगा, जिसको बहुत बार आप जो पूछते हो कि नहीं इसको बहुत ईगो है, तो उस तरह से मेरा वो ईगो दिखता है बाहर, क्योंकि मैं एडामेंट होता हूँ, अहंकारी दिखता हूँ। हम उसके भी क्या लक्षण है देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आप सब लोगों को एक सिनेमा की याद दिलाना चाहता हूँ, जिसमें आपको मालूम होगा अगर आप देखेंगे वो सिनेमा को तो किस तरह से ईगो बदलता है। देखिएगा, अनुपमा नाम का एक पिक्चर आया था, बहुत पुरानी बात है, ऋषिकेश मुखर्जी ने एक बहुत कहते हैं ना हमेशा याद रखने वाले हिंदी सिनेमा के अंदर में एक बहुत बड़ी फिल्म दिया ऋषिकेश मुखर्जी ने, अनुपमा नाम की, जिसमें लीड रोल किया था शर्मिला टैगोर ने, वो हीरोइन थी, और सेकंड हीरोइन थी या असिस्टेंट ऑफ हीरोइन थी शशिकला, और उसमें हीरो थे धर्मेंद्र।
अब कहानी ये है इस पिक्चर की, ये कहानी रियलिटी या फैक्ट के ऊपर में बेस कहानी है। पिक्चर की कहानी ये है कि शर्मिला टैगोर और शशिकला दोनों का जन्मदिन एक ही है, एक ही दिन दोनों का जन्म होता है अलग अलग घरों में, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो एक गांव में रहती है। अब इत्तफाक से दोनों का जब जन्म हो जाता है तो दोनों की माताएं डिलीवरी के समय में मर जाती है। अब क्योंकि दोनों की माताओं का स्वर्गवास होता है डिलीवरी के समय में और दोनों बच्चियां पैदा हो जाती है, अब शर्मिला टैगोर के पिताजी उसको उस समय भी कहते हैं और जब वो उम्र से बड़ी हो जाती है तब भी कहते हैं कि वो मनहूस है, तो वो हमेशा सुनती है पिताजी से और पिताजी उसी प्रकार से उससे बिहेव करते हैं तो वो मनहूस है, वो भी डेफिनेटली जैसे बड़ी होगी रियलिटी टेस्टिंग करेगी जैसे मैं करता था। अब शशिकला के पिताजी उसी इंसिडेंट से गुजरे लेकिन वो कहते थे ये सोच करके नहीं मेरे बच्चे को माँ नहीं है तो मेरे बच्चे को मैं माँ और पिता दोनों का प्यार दूंगा, और उसको वो हाथ हथेली के ऊपर में रखते थे और बहुत दुलार से उन्होंने उसको बड़ा किया रहता, और उसको वो कहते थे कि नहीं तुम तो बड़ी प्रिंसेस हो। अब देखिए एक ही घटना है, दो व्यक्तियों ने अलग अलग प्रकार से उसका मतलब निकाला और दोनों बच्चों को अलग अलग चीजें बताई। जब बड़े हो जाती है तो अनुपमा पिक्चर में ऋषिकेश मुखर्जी दिखाते हैं धर्मेंद्र को मिलने के पहले शर्मिला टैगोर जिसका हीरो है धर्मेंद्र, धर्मेंद्र को मिलने के पहले शर्मिला टैगोर बहुत सहमी हुई, कभी किससे बात न करने वाली, ऐसी गुमसुम बैठने वाली और बहुत ज्यादा आनंदी नहीं रहने वाली, खुश तो कभी नहीं रहने वाली, जिसका बर्थडे तो कभी मनाया ही नहीं जाता था क्योंकि वो तो मनुष्य है, जिस दिन में वो पैदा हुई उसी दिन में मां मर गई, तो ये उसका अनुभव है और ये उसका बिहेवियर दिखाया। लेकिन शशिकला एग्जैक्टली उलट दिखाई, वो बहुत हंसमुख है, सोशल है, लोगों के साथ बात करने वाली है और लीडर के टाइप की है, तो ये फर्क इसलिए हुआ क्योंकि शशिकला को बचपने में ही उसकी सेल्फ इमेज मतलब उसका ईगो फॉर्मेशन अलग प्रकार से हुआ था और शर्मिला टैगोर का ईगो अलग प्रकार से फॉर्म हुआ। ठीक है, ये पिक्चर में जैसा बताया है वही मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि ईगो आपका फ्रेम या रीफ्रेम आप कर सकते हैं चाहे आपकी उम्र कोई भी हो, जैसे कि शर्मिला टैगोर की शादी हो जाती है या प्यार हो जाता है धर्मेंद्र के साथ तो धर्मेंद्र हीरो है, वो लेखक रहता और संजीदगी रखने वाला एक व्यक्ति रहता, लाइफ के वैल्यूज उसके पास रहते, तो वो बहुत अच्छी तरह से शर्मिला टैगोर से बात करता है, उसको रिस्पेक्ट देता है, उसको प्यार करता है, इससे उसका खुद का विचार खुद की प्रतिमा उसके मन की धीरे धीरे बदलने लगती है, उसे भी मालूम होने लगता है कि उसके अंदर में कोई सौंदर्य है, वो अच्छी व्यक्ति है वगैरह वगैरह, और धीरे धीरे वो अपने मनहूस इमेज से बाहर आती है। ठीक है ना, तो जरूरी नहीं कि आप में से कोई सुनने वाले शर्मिला टैगोर जैसा ही रोल प्ले कर रहे हो और आपको कोई धर्मेंद्र मिले, जरूरी ये है कि अगर आप अपने अंदर में झांक करके देखें तो आपको पता होगा कि आपकी सेल्फ इमेज या आपकी ईगो क्या है। ओके, अगर आपका ईगो ऑप्टिमम है तो आप सब लोगों के साथ में खुश रहने वाले, सब लोगों के साथ में घुलने मिलने वाले, अपनी दुख को अपनी हार को स्वीकृत करने वाले और लोगों के खुशी में लोगों के जीत में खुश होने वाले व्यक्ति हो सकोगे या रहते होंगे अगर आपका ईगो ऑप्टिमम है तो। अगर आपका ईगो थोड़ा सा नीचे है मतलब लो ईगो है या निगेटिव ईगो है तो आप आमतौर पर सोशल होने की संभावना कम है, खुद को कोसने वाले, खुद के बारे में बहुत अच्छा विचार न रखने वाले, कम कॉन्फिडेंट, कम बोलने वाले, कम एक्टिव, ऐसे व्यक्ति होने की संभावना है। ठीक है, अब लेकिन अगर आपका ईगो ज्यादा है तो आप कैसे पहचानोगे कि नहीं आपका ईगो ज्यादा है, क्योंकि अगर ईगो आपका ज्यादा है, ओवर एक्सेसिव ईगो अगर है, मतलब आप अगर ईगोइस्टिक हो तो ऐसे समय में आप आपके भविष्य के लिए, आपके सोशल फॉर्मेशन के लिए आपका ये एक्सेसिव ईगो हानिकारक हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि इस दुनिया में दहले को हमेशा दहला मिलता ही है, अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे हो तो आपको आपसे भी अच्छा कोई ना कोई मिलेगा और फिर आपको वहां दुख होगा, क्योंकि ईगो अगर आपका ज्यादा है तो कैसे पहचानेंगे आपका जो ईगो ज्यादा है करके, अगर आप हमेशा कंपैरिजन करते हो तो समझिएगा कि आपका ईगो ऑप्टिमम लेवल से ज्यादा है, क्योंकि आप हमेशा दो व्यक्तियों को कंपेयर करते हो, दो व्यक्तियों में कौन अच्छा कौन बड़ा, कौन छोटा कौन बड़ा, ये सोचते हो। अगर ऐसा होगा तो आपको याद आपको स्क्रूटिनाइज करना पड़ेगा, क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि अरे आपका ईगो ज्यादा तो नहीं है, आपके घर वालों से, दोस्त लोगों से, खुद के साथ में इंक्वायरी करनी पड़ेगी। ठीक है ना, अगर आपका ईगो ज्यादा है
या कभी कभी जिनका ईगो कम रहता वो लोग भी इस तरह सब बिहेवियर करते हैं, लेकिन आमतौर पर जिनका ईगो ज्यादा है या डिस्टर्ब ईगो है वो लोग ये बिहेव करते हैं कि वो हमेशा डिफेंड करना चाहते हैं। जैसे कि कोई चीज उन्होंने अगर बताई और आपने उसमें कोई क्रिटिसाइज किया, आपने उसमें कोई चुप निकाली, तो वो लोग इमीडिएटली डिफेंड करेंगे और बहुत समय तक भी डिफेंड करते रहेंगे, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते कि उनकी कहने में कोई ना कोई गलती हो सकती है। अपनी गलती को वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनका ईगो ही बहुत ज्यादा रहता है, इसीलिए वो ऐसा होता है, ठीक है ना। इसलिए वो उनका क्रिटिसिज्म भी सहन नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ में अगर आप क्रिटिसाइज करेंगे तो उनको बहुत झल्ला जाएंगे, बहुत गुस्सा हो जाएंगे और आपसे शायद संबंध तोड़ देंगे। अगर आप अपने अंदर में देखेंगे झांक करके तो आपको पता होगा कि क्या आप ऐसे व्यक्ति हो या ना हो। इसी के साथ में जो लोगों का ईगो थोड़ा ज्यादा रहता है उन लोगों को आमतौर पर उनके लाइफ में जो भी अच्छाई हुई है, जो भी उनके गुण है या जो भी उनकी अचीवमेंट है, उसका कारण वो खुद को ही समझते हैं, वो उसका कारण औरों को देना नहीं चाहते, मतलब उनमें ग्रेटिट्यूड बहुत कम होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे आजकल मराठी में कौन बनेगा करोड़पति निकल गया है, मराठी चैनल पे आता है वो, और वहां पर मैंने देखा उसका एडवर्टाइजमेंट, मैंने देखा एक महिला जो कुछ 25 लाख का अवार्ड जीत लेती है उसमें, बाद में उसका क्या हुआ पता नहीं क्योंकि वो तो एडवर्टाइजमेंट है जो मैंने देखी है, लेकिन वो महिला को जो लीड है वहां पे वो पूछते हैं कि आपने जो 25 लाख जीते हैं इसका श्रेय, इसका क्रेडिट आप किसको देंगी। वो महिला कहती है कि उसके जीत जाने का या उसके इस सौभाग्य का या उसके इस रिवार्ड का श्रेय वो उसके टीचर्स को देंगी, गुरुवर्य को देंगी, क्योंकि वो कहती है कि उसके टीचर्स ने उसको कहा था कि तू ये कर सकती है, तुझमें ये कैपेसिटी है, तू कर, डर मत, आगे जा। ये प्रोत्साहन देने वाले जो लोग हैं उनको वो श्रेय देना चाहती है, इसको कहते हैं कि आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो। तो अगर आप श्रेय खुद को ही नहीं लेना चाहते, लोगों को भी देना चाहते हो, जो कि वास्तविकता है, हमारे टीचर, हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता, हमारे आजू बाजू वाले बहुत लोग ऐसे हैं जो हम जिनको हमको श्रेय देना चाहिए, है ना। इनफैक्ट मेरे उम्र के 7वीं में स्कॉलरशिप के एग्जाम में जो मेरा अच्छा रिजल्ट निकला था उसका श्रेय अभी मैं मेरे साथ में स्कॉलरशिप को बैठे जो लड़के थे उनको देता हूँ। कारण ये कि जो मेरे साथ में स्कॉलरशिप में बैठे थे लड़के ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में, वो लोगों ने पढ़ाई कम किया था, इसलिए उनके कंपैरिजन में मुझको यश मिला, है ना। तो ये मैं श्रेय उन लोगों को देता हूँ, हालांकि पूरा पूरा श्रेय मेरा हो ही नहीं सकता। ओके, ये तो मतलब एक फन के लिए या मजाकिया ढंग में आप लोगों को मैंने बताया। तो अगर आपको हमेशा लगता है कि ये सब गुण आप में अगर है तो आपका ईगो एक्सेसिव है, ऐसे इसमें हमेशा आप ये हीरो प्ले करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चार लोगों में आप बैठोगे तो ज्यादा से ज्यादा बातें आप ही करोगे, सामने वाले को बात ही नहीं करने दोगे, मैक्सिमम बात आप ही करोगे, है ना। आपको हमेशा लगेगा नहीं आपने ही जीतना चाहिए, आपने हीरो प्ले करने की तमन्ना बहुत रहेगी और आप प्ले करोगे, इसका मतलब यह है कि आपका एक्सेसिव ईगो है और ये एक्सेसिव ईगो आपको लोगों से दूर हटा सकता है, दूरियां पैदा कर सकता है, इसलिए सावधान रहिएगा, अपने ईगो को फ्रेम या रिफ्रेम करिएगा। ओके, अब ये ईगो के अपने सारे मतलब ईगो ज्यादा होने के भी बातें मैंने आपको बता दी है। अब आमतौर पे ये बात मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे इंडिया में हम लोगों के ऊपर में ये संस्कार होते हैं बचपने से और सारे लेवल में, सोसाइटी के सारे लेवल में ये संस्कार देखे जाते हैं। वो कौन से, हमको हमेशा ये कहते हैं कि विद्या विनयतेन शोभते, वो इसीलिए कहते हैं कि आपका ईगो एक्सेसिव ना हो और आप समाज से टूटे नहीं। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, विनयता या हम्बलनेस ही आपके ईगो को ऑप्टिमम रखने की कोशिश करेगी। तो अपने ईगो को हमेशा ऑप्टिमम रखिएगा ताकि आप सब लोगों के साथ में सिर्फ घुल मिल के नहीं रह सकोगे, लोगों के आप पसंद आओगे। अगर आप चाहते हो कि लोगों ने आपको पसंद होना चाहिए, पसंद करना चाहिए, लोगों ने आपको बैकअप करना चाहिए, तो ऐसे तो फिर आपका ईगो ऑप्टिमम होने की जरूरत है। ओके, थैंक यू सो मच। मुझको ऐसा लगता है, अंकुर जी एक लाइन कहना चाहता हूँ, मुझको ऐसा लगता है कि ये जो बातें मैंने ईगो के बारे में आप लोगों को बताई है, इसमें शायद कुछ लोग जिनका ईगो निगेटिव है या लो है, उन लोगों को अपने ईगो को समझकर उसको बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी। मेरी ये एक संभावना है, ऐसा मुझको लगता है। अगर ऐसा हुआ तो बड़ी खुशी की बात होगी, हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात होगी,
सेवा का उद्देश्य सफल हो जाएगा। अगर आपको ऐसा कभी लगे तो आप जरूर हमको बताइएगा कि आपको क्या फायदा हुआ या फायदा नहीं हुआ, या और इस दिशा में आप अपना क्या फायदा करवाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर, और मैं पूरी तरह सहमत हूँ सर। आई थिंक हम सब के एक साथ आने का यही उद्देश्य है कि कभी किसी का फायदा हो जाए, और हमें खुशी होगी कि अगर आपका आपकी जानकारी सुन के कोई अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकता है तो ये हम सबकी कलेक्टिव विक्ट्री होगी। मैं पूरी तरह सहमत हूँ सर, और फिर से थैंक यू वेरी वेरी मच सर। और मुझे लगता है सर मैं एक शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगा आज के वीडियो के लिए, वो शब्द होगा खुलासा। मुझे लगता है ईगो की जो परिभाषा, जो जानकारी आपने दी है, वो हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग से शायद काफी अलग है। जैसे आपने वीडियो के दौरान बोला कि ईगो, कई बार हम अहंकार को ईगो का शब्द देते हैं, तो आई थिंक ये हम सब के लिए खुलासा है। उसके लिए सर थैंक यू वेरी मच। और अगर आप सबको भी ये वीडियो पसंद आया जैसे मुझे आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर से दोहराऊंगा, ये हम सबके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। थैंक यू वेरी मच।